अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ आज का दिन प्यारी सी दुआ के साथ शुरू होता है अल्लाह पाक सबको खुश रखे खुशियों भरा दिन गुजरे जो बीमार हैं उनको अल्लाह शफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे आमीन फ्रेंड्स हम करते हैं शैम्पू बनाने की शुरुआत अब मैंने ये दो लेमन लिया लेकिन मुझे एक की ज़रूरत है क्योंकि ये देखें ना बड़े हैं ना छोटे ये मीडियम साइज़ के लेमन हैं और ये मैंने लिए हैं कुछ नीम के पत्ते ये जो नीम हर हर जगह मिल जाती है और ये चावल चावलों का कोई वो नहीं है कि आप कोई बहुत ही आला क्वालिटी के चावल लें चावल बस होने चाहिए चाहे वो टोटा हो चाहे वो मोटे वाला चावल हो चाहे वो बासमती हो जो भी चावल हो अब ये नीम के पत्ते देखे मैंने ये एक मुठ्ठी या डेढ़ मुठ्ठी के करीब हैं ये जैसे एक धनिया की गुटी मिल जाती है तो उस तरह अब इसकी क्वांटिटी आप लेडीज़ लोग या जेंट्स ये देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली है तो इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि दरख्त पे मट्टी परिंदे बैठते हैं तो इस तरह ये आप अच्छे से वॉश कर लें तो वॉश करने के बाद इसके इनका पानी अच्छे से निकालने के बाद तो इनको हम जितने ये पत्ते ना इनमें से मैं थोड़े से निकाल दूँगी तो पूरे नहीं डालूंगी और फिर किचन की सीज़र से मैं इसको रफली ये इसको चॉप कर लूंगी ये देखें इस तरह के पत्ते यानी बड़ी टहनी को जब आप नीचे करेंगे ना तो ये पतली पतली टहनियाँ होंगी तो ये आप एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी के करीब ले लें ये जो मैं क्वांटिटी बना रही हूँ अगर आपको ज़्यादा करना है तो ये हर चीज आप डबल कर लीजिएगा तो अभी आप देखते जाएं इसी तरह आप करें क्योंकि आपकी बेानतहा रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बना रही हूँ और मैं जो चीज़ ख़ुद यूज़ कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह पाक जिस तरह मेरे मेरी बेटी के मेरे बेटे के हस्बैंड के बाल अच्छे और प्यारे हैं आप लोगों के भी हों और आपकी मोहब्बत और प्यार ऑयल पर इतना हर वीडियो पर ही बहुत प्यार मिला है तो और दुआएँ मिली हैं तो ये देखिए मैंने एक लेमन को मैंने चार टुकड़ों में कर लिया ये देखिए अच्छा खासा लेमन है और एक ही लेना है और एक कढ़ाई में ये मैंने चार गिलास भर के पानी के डालें और ये गरम हो चुके हैं बॉयल नहीं आया लेकिन अच्छा खासा गरम पानी है उसमें पहले मैंने लेमन डाल दिया है उसके बाद ये मैंने नीम के पत्ते डाल दिए जो एक मुठ्ठी के करीब टहनियाँ थी उनको मैंने काटा है वो मैंने डाल दिया है और उसके बाद ये हम चावल डालेंगे छः से सात चम्मच डाल लें आप तो ये देखिए हम चावल डालने की शुरुआत करते हैं ये एक चम्मच ये दो चम्मच ये तीन चार पाँच छः और ये सात ये सात चम्मच मैंने इसकी चावलों की डाल दी है अब इसको मैंने यूँ मिक्स कर दिया है ये आप देखें पानी गर्म है बॉईल नहीं है ये इसको मैंने इस तरह मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसको हम हल्की आंच पर मतलब बहुत हल्की भी नहीं यानी तेज़ भी नहीं और मीडियम आंच पे हमने इसको 25 मिनट पकाना है 25 मिनट पकाना है इस तरह करके और आप देखें कि ये अभी पकना शुरू हो गया है अगर आपकी आंच ज़्यादा तेज़ गैस आ रहा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जब दो गिलास पानी का रह जाए ना तो फिर आपको एक चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसको प्रेस करना है अब ये देखें ये दो गिलास के करीब पानी जल चुका है और दो गिलास रह गया है अब नीचे चूल्हा जल रहा है मीडियम आंच पे तो मैं इसको हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ तो इसको जो मेरी बहनें मेरी बेटियाँ या मेरे भाई मेरे बेटे देख रहे हैं तो हल्के हाथ से और बहुत केयरफुली इसको हल्का हल्का प्रेस करना है पाँच मिनट के लिए बस यूँ प्रेस करना है ताकि आपका हाथ भी ना जले और प्रेस करने से इनकी हर चीज़ अच्छे से पानी में मिक्स होती जाए तो इसी तरह आपने करना है अब ये देखें सारी चीज़ें ऊपर आ गई हैं खुश्क हो गया है इसमें एक गिलास पानी का बचा है ये देखें इस तरह आप ये इसकी क्वांटिटी देख लें फिर आपने चूल्हा बंद कर दिया है अब हमने और हमने फिर इसको पाँच से छः मिनट प्रेस करना है ये देखें अच्छे से मैं इसी तरह प्रेस करती जाऊँगी गौर से आप देखें इसी तरह आप करिएगा तो आपको रिज़ल्ट हर चीज़ का बहुत अच्छा मिलेगा और मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और मैं अपने बेटी के हम यही यूज़ इसी तरह कर रहे हैं तो ये देखिए अब एक बाउल लेना है उसमें एक ये फ्रूट या सब्ज़ी धोने वाली टोकरी रखनी है जिसमें से चावल ना निकले उस तरह की टोकरी रखनी है तो इसको हमने अच्छे से इसका जो पानी बना है ना उसको हमने निकाल लेना है ये देखिए अब ये सारी चीज़ें चीज़ों में से अच्छे से पानी नुचा रहा है इसको दो तो मिनट आप यूँ पकड़ के रखेंगे और फिर उसके बाद जो मजीद है और ये आप इसको चमचे की मदद से अच्छे से प्रेस करें करना आपने गर्म में ही है बहुत केयरफुली गरम से ये है ना कि अच्छे से इसका सारा असर और पानी निकल जाएगा ठंडा करेंगे तो ये गाढ़ा गाढ़ा पानी है ये अंदर ही जम जाएगा फिर निकालने में भी मुश्किल होगी ये देखे लेमन इसका भी सारा असर इस पानी में आ चुका है इस तरह आपने पाँच से छः मिनट करेंगे तो ये भी जितना इसके अंदर बचा कुछा पानी था वो भी निकल जाएगा ये आपको अभी थोड़ा पतला लग रहा है क्योंकि ये गर्म बहुत है तो इसको हल्की सी भाप निकालने के बाद ये मैं आइस जो क्यूब्स होती है ना उसमें मैं ये फिल कर रही हूँ एक बात आपने मेरी ग़ौर से सुननी है कि आपने इनको जब ये आइस क्यूब तैयार हो जाएंगी आपने इनको एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखना है एक हफ़्ते तक आपने यूज़ करना है आपको पता है आपके कितने फैमिली मेम्बर है तो उसके हिसाब से आपने करना है अब ये मैं जो तैयार कर रही हूँ ना ये चार या पाँच मेम्बर्स के लिए मैं तैयार कर रही हूँ तो आपने अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप ही ज़्यादा क्वांटिटी बनाएं डबल कर लें इसका तो ये मेरे एक हफ्ते के लिए ये काफ़ी है तो ये मैं देखें इस तरह वन बाय वन करके आइस क्यूब भर रही हूँ तो बस इसमें से एक क्यूब की जगह बच जाएगी क्योंकि मुझे आपको शैम्पू बना के दिखाना है कि किस तरह बना के यूज़ करना है अभी ये इस इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये आइस क्यूब बन जाए इनका भी मैं बताऊँगी कि आपको ये किस तरह स्टोर करनी है तो ये मैंने ना दो क्यूब या डेढ़ लगा ले वैसे ये मैं ना दो क्यूब के करीब मैंने ये रखा है क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए दो क्यूब हम ये रखते हैं कि हम यूज़ करते हर दो दिन के बाद तो ये दो दिन के बाद आपने शैम्पू करना है तो ये देखिए मैंने ये दो क्यूब के करीब है इसको मैं शैम्पू बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाते हैं ये देखें मेरे पास इंपोर्टेड शैम्पू भी है दूसरा भी है शैम्पू से कुछ भी नहीं होता है शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग करते हैं आपको ये जो मैंने लिक्विड बताया है इसके अंदर शैम्पू को यूज़ करना है किसी ब्रांड का भी शैम्पू हो इंपोर्टेड हो अपनी कंट्री का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शैम्पू से जैसे सर्फ से नहीं पड़ता इसी तरह ही तो अब ये बिल्कुल रूम टम्परेचर जितना ये लिक्विड ठंडा हो गया है अब इसमें आपने अपने हेयर्स के हिसाब से शैम्पू डालना है अगर आपके बाल लंबे तो आप थोड़ा सा शैम्पू ज़्यादा डालें अगर आपके बाल छोटे हैं तो एक क्यूब आपने लेनी है और थोड़ा सा शैम्पू लेना है तो हमारे हेयर्स लंबे हैं तो इसलिए मैंने दो क्यूब्स जितना वो लिक्विड लिया है और शैम्पू भी अपने हेयर्स के हिसाब से डाला है और आपने मिक्स कांटे से इस तरह करना है कि ये बिल्कुल फोम झागना बन जाए ज़्यादा झागना बने नरम नरम हाथ मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ घुमा दिया और उसके बाद यह मैंने मिक्स कर लिया है ना शैम्पू और लिक्विड अब मैंने एक घूंट के करीब पानी लिया है ये देखें मैं आधा डाल रही हूँ यानी थोड़ा सा मैंने पानी डाला बाकी मैंने हटा दिया है तो मैंने इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लिया ये शैम्पू हमारा तैयार हो गया है अब मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगी ताकि जो मेरी बहनें बेटियां परेशान हैं उनको सिर्फ मैं बनाना नहीं बता रही मैं यूज़ भी करना बता रही हूँ ये देखिए हमारा शैम्पू रेडी है अब मैं इस तरह आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि आपने किस तरह सर में डालना है पहले आपने ये इसमें सर पे पहले पानी डाल लेना एक डोंगा भर के ताकि अच्छे से बाल गीले हो जाए अब ये आपने ये इस तरह डालते जाना है और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाना है ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये होता जा रहा है बहुत ज़्यादा ये बालों के लिए फ़ायदेमंद है आप यकीन करें कि बालों के अंदर इसकी वजह से शाइनिंग भी आएगी आपके बालों में डेंड्रफ का नाम और निशान नहीं रहेगा और बालों की ग्रोथ भी होगी अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी चीज़ बालों को ग्रो कर रही है मैं जो इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ माशाल्लाह थ्री मंथ के बाद मुझे इसके बालों की कटिंग करनी पड़ती है मेरे अपने बालों की भी नीचे से इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी फिर थ्री मंथ के बाद ढाई महीने के बाद मैं कटिंग करती हूँ बेटा भी इसी तरह ही है बेटा भी टू वीक के बाद अपना हेयर सैलून जाता है और वहाँ से कटिंग करवा के आता है टू वीक वो बहुत मुश्किल से रखता है मम्मा हेयर्स लंबे हो गए मुझे कटिंग करवानी है तो वो जाता है तो जो चीज़ मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ वो ही मैं बता रही हूँ तो मेरी दुआ है कि मेरा पाक परवरदिगार जिस तरह हमारे बाल प्यारे और लम्बे आप लोगों के भी इसी तरह हो हर बेटी के हर माँ के हर बहन के जो चाहती है कि मेरे बाल अच्छे और लंबे हों और जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एक बहन कह रही थी कि मेरे बालों को मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं तो इस तरह मुझे कुछ बताएं तो आप यही तेल यही शैम्पू यूज़ करें तो आपके देखिए इन बाल हम लोगों जैसे हो जाएंगे ये देखे मैंने हाथों की मदद से भी यूँ थोड़ी मसाज की है और जिनके पास ये सिलिकॉन ये जो शावर ब्रश है ये हो आपके पास तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ये इसके आगे से ये जो वो बने हुए हैं ना ये इतने नरम और वो हैं जिसके बाद नहीं है कोई मसला नहीं आप फिंगर से भी उस अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं कि आपकी जड़ों पे आपकी स्किन पे ये अच्छे से मसाज हो जाए आपके इसी से ही बाल देखिएगा ग्रो होगा अगर जल्दी किसी का रिजल्ट नहीं आता है तो परेशान मत हो देखिए हम एक पौधा लगाते हैं उसको भी टाइम लगता है तो ये एक दो बार ये चीज़ें यूज़ करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके बालों का आपको खुद अंदाज़ा होगा तेल से और उसके तेल का भी मेरी कई बहनों ने पूछा है कि कितने दिन रखना है देखिए अगर आपने सुबह लगा लिया है तो आप रात में वॉश कर लें वरना आप सुबह लाजमी कर लें एक दिन और एक रात से ज़्यादा आप इसको मत रखिएगा तेल को और ये जो शैम्पू है इसको आप दो दिन बाद यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना नहीं बस दो दिन बाद आपने लाजमी हेयर वॉश कर रहे हैं फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा एक दिन बाद भी मैंने कभी नहीं यूज़ किया हम दो दिन बात करते हैं तो मैं दो दिन का ही आपको बताऊंगी क्योंकि देखिए हमारा रिजल्ट आप देख लें हम यही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और शैम्पू मैं बदलती रहती हूँ कभी कौन सी कंपनी का होता है कभी कौन सी कंपनी का होता है इस बार हम लोग ये वाले पामोलिव के लेकर आए हुए हैं तो आप कोई भी शैम्पू से आप वो ना करें परेशान ना हो आप कोई भी शैम्पू यूज़ करें चाहे आपके पास इम्पोर्टेड है या आपकी कंट्री की ब्रांड है कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता शैम्पू सिर्फ बालों को क्लीन करता है आपके बालों की जो प्रॉब्लम्स है ना यही जो चीज़ें ये देखे मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया माशाल्लाह मेरी बच्ची के बालों की ये अपनी शाइनिंग है तो अभी ये जब सूखेंगे ना तब भी आप देखिएगा मैं जब से वीडियोस बना रही हूँ मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगा रही हूँ अब ये अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें कि कहीं कोई डेंडरव कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह बस आप मेरी बेटी के बालों के लिए माशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा अल्लाह पाक आपके भी बालों को इसी तरह करे जैसे आप चाहत रखते हैं इससे भी मेरी तो दुआ इससे भी लम्बे आपको अल्लाह पाक बाल करे बस आप इसी तरह जिस तरह मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं आप उसी तरह यूज़ करें फिर उसके बाद जिसके बाल लंबे वो हल्के हाथ से इस तरह प्रेस करके इसका पानी निचोड़े अब ये देखिए मैंने रात लेट नाइट इसके बालों को वॉश किया था तो ये सो गई थी अब ये स्कूल जाने के लिए उठी है तो ये अंदर से हल्के हल्के बाल गीले लेकिन माशाला ये आप बाल देखें बालों में शाइनिंग देखें अच्छे से इसके बाल सूखे नहीं हैं लेकिन ये देखें काफ़ी हद तक सूखे थोड़ी देर और मैं इसको रहने देती हूँ बाल बनाने से ताकि सूख जाए तो मैं आपको और दिखाती हूँ ये देखें माशाल्लाह बाल इसके इन चीज़ों से बालों में जान भी आएगी और बहुत ही आपको अच्छा एक दो बार करने से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर शुरू में थोड़े थोड़े बालों में ऑयल रह भी जाए तो आप परेशान मत होइएगा ये, ये जब आप यूज़ करना शुरू हो जाएंगे ना तो खुद ब खुद आपके बालों में हर चीज़ की खुद ब खुद सेटिंग आती जाएगी आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी अब ये देखिए जितनी देर उसके बालों में थोड़ी और हवा लग जाए क्योंकि सो गई थी ना तो थोड़े बाल उसके इस तरह रह गए हल्का हल्का गीलापन रह गया था अब ये देखिए क्यूब्स जम चुकी हैं ये आम जो हम गोश्त फ्रीज करते हैं डब्बे या बिरयानी या कोई भी चीज़ सेव करने के डब्बे होते हैं ये उसमें मैंने डाला है और या आप ये बर्नी ले लें बर्नियाँ जो भी खाली है मेरे बादामों की बर्नियाँ थी तो ये खाली हुई हुई थी तो मैं दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ किसी के पास इस तरह डब्बा ना हो तो वो परेशान ना हो ये देखें ये बरनी में डाल के तो ये आप ढक्कन दे के रख ले। लेकिन फिर मैं आपको बताऊँगी कि जो भी मेरी बहनें बेटियाँ देख रही हैं ये एक हफ्ते से ज़्यादा आपने नहीं रखना है आप अपने फैमिली के हिसाब से बनाएंगे तो आपके ज़ाया नहीं होंगे ये देखें यूँ हमने रख लिया है जब ज़रूरत है हमने एक क्यूब निकाली हमने प्याली में रख दी जब उसकी बर्फ़ पिघल गई उसमें हमने शैम्पू डाल के, थोड़ा पानी डाल के शैम्पू अपना तैयार कर लिया है इसी तरह आपने बनाना है तो आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी ज़रा परेशानी नहीं होगी हर तरह से ये इसी तरह आप करेंगे तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी अब ये देखें काफ़ी हद तक इसके बाल सूख गए ये देख लें इसकी अपने बालों की शाइनिंग देख लें इसके बालों का वॉल्यूम देख लें ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे इसके बाल हुए हैं आप भी ज़रूर माशाल्लाह पढ़िएगा और आप सबकी दुआएँ बहुत हैं मुझे कोई वो नहीं है और आप देखें मैं इसकी छुटियाँ भी बना रही हूँ क्योंकि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है तो मैंने कहा आपको चुटकियाँ बना के भी दिखाऊँ माशाल्लाह देखें मेरी दुआ है जितनी मेरी बहनों की प्रॉब्लम है बालों की वो दूर हो अल्लाह पाक मेरी बेटी के और मेरे बालों से भी प्यारे आपके बाल करे हर सांस के साथ आपके लिए दुआ है तो बस आपका प्यार ये है कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा आपके कमेंट्स ने मुझे इतनी हिम्मत दी है और क्या मैंने ये शैम्पू भी आपके साथ शेयर किया है पर भी देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी छुट्टियाँ भी कर दी है बाल सूख गए थे स्कूल का भी इसका टाइम हो गया तो बस अल्लाह पाक आप सब लोगों के भी बाल इसी तरह प्यारे करें आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा जिस तरह मैंने बनाया है उसी तरह बनाइएगा जैसी जैसी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में वो सब वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखें अल्लाह हाफिज़